नमस्कार दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की विज्ञान के बारे में, यानी कि साइंस। तो इसमें अभी तक हम लोग 8 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं, ये आपका 9वां चैप्टर है। आज देखेंगे जंतुओं में जनन। ठीक, फिर से बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि आप लोगों को बस धैर्य के साथ पढ़ना है इसे, क्योंकि इसमें अगर आप लोग धैर्य के साथ पढ़ते हैं तो इसमें कोई ऐसा भी शब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आ सके। और आपको करना क्या है, आपको अपना जो भी काम हो उसे निकालो और निकल जाओ, मतलब अपना उद्देश्य निकालो और निकल जाओ इसे पढ़कर। और लास्ट में हमें पता चल ही जाता है कि आखिर इस अध्याय को पढ़ने का हमारा उद्देश्य ये था, इसलिए हमें जरूरी कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। तो आराम से रहिए, बस पढ़िए, निकल जाइए। आपने पाचन परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, क्या आपको इनके बारे में विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता? आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसी जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षाओं में पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। जनन की विधियां, क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 9.1 में बनने का प्रयास कीजिए। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा, क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलौटे और बिल्ली का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते हैं जैसा कि अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां हैं, एक आपका लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। देखिए, मनुष्य में जैसे शिशु, बिल्ली, मियाऊ, कुत्ता में पिल्ला, गाय में बछड़ा, मुर्गी में चूजा, इस तरह से। बात करते हैं हम लोग लैंगिक जनन। कक्षा 7वीं में हमने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था, इसे स्मरण करने का यानी कि याद करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते थे, क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा भी में भी विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं जो संलयित होकर यौवनज बनाते हैं। यह यौवनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार जनन का, जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। क्या नर तथा मादा युग्मक का संलयन यानी कि दोनों का जरूरी होना है, उसे लैंगिक जनन। आइए मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जन्म विक्रम का अध्ययन करें। नर जनन अंग, नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिकाएं और एक शिश्न लिंग होते हैं। वृषण और नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम लोग शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, चित्र 9.2 में आप देख सकते हैं। मध्य पूंछ और सिर, जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया। शुक्राणु यद्यपि बहुत छोटे सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के समान संघटक पाए जाते हैं। मानव नर जननांग, यह आपका मानव शुक्राणु। मादा जनन अंग, मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, डिम्बवाहिनी तथा गर्भाशय होता है।
अंडाशय मानव मादा जननांग, ये आपका गर्भाशय हो गया, अंडवाहिनी, ये आपका अंडाशय। मदायुग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें अंडाणु यानी कि डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में पित्ती मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक भंडा अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु या डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल होते हैं, मानव अंडाणु। बात करते हैं निषेचन। जनन के क्रम का पहला चरण आपका शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है यानी कि मिलना। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन हो जाते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है आपका, यह आपका निषेचन प्रक्रिया है, ये शुक्राणु में या फिर अंडाणु में इस तरह से संलयित केंद्र युग्मनज। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए वृष्टि का प्रारंभ करता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से, कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। क्या आपने पर्कनली शिशु के विषय में सुना है? बूजो और पहली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर चिकित्सक ताजा अंडाणु का एवं शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है इनका तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीकी द्वारा जन्मी शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या है नामक नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता, बस निषेचन होता है बाहर। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतुओं के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। क्रियाकलाप 9.1। वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को नोट कर सकते। वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते, अतः है अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत कोमल होते हैं। जली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इसकी सुरक्षा भी करती है। मेढक के अंडे मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरने लगते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिससे फलस्वरूप आपका निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा अंगों का संलग्न मानव के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है, या मछली स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है, याद रखिए। ठीक। यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है।
और वहां नए जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु, वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं, अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणु का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन शुक्राणु सुनिश्चित किया जा सके। चित्तेक में युग्मनज का बनना। युग्मनज से भ्रूण का विकास, चित्तवी में कोशिकाओं का पिंड, वक्षी में भ्रूण का गर्भाशय में रोपण, गर्भाशय रोपित भ्रूण युग्मनज, ये आपका अंडोत्सर्ग, ये आपका अंडाशय, गर्भाशय भित्ति, विकसित भ्रूण, विकसित होता भ्रूण। आगे चलते हैं हम लोग। भ्रूण का परिवर्तन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं की गोली में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं सामूहिकित होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंख, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भावों की पहचान हो सके उसे गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। यह आपका गर्भाशय है, गर्भाशय में यह आपका भ्रूण है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? बिल्कुल नहीं। आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती है। तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं, आइए पता लगाएं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी के नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाली कठोर कवच भी इसी का ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी का ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा हो। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा आपका बाहर आ जाता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं के भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टेढ़ पोल तैरते हुए देखे होंगे। बात करते हैं जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु। हमने जाना है कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे, जरायुज एवं अंड प्रजक में विभेद भी कर सकेंगे। क्रियाकलाप 9.2। मेंढक, छिपकली, तितली अथवा शलभ मुर्गी तथा कोए कोए अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडे का अवलोकन कर पाए? जिन अंडों को आपने एकत्रित किया है उनके चित्र बना सकते हैं। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता, बिल्ली के अंडे एकत्रित नहीं कर सकते हैं। यह इसलिए क्योंकि यह अंडे नहीं देते, इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण। क्या आप जरायुज एवं अंड प्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? शिशु से वयस्क, बात करते हैं
शिशु से वयस्क में। नवजात जंतु, नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के विस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। अंडा, लार्वा अथवा झिल्ली, प्यूपा, वयस्क, जिसके विषय में आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं। मेढक, मेढक इस प्रकार के जंतुओं का अन्य उदाहरण है। मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं चरणों का परीक्षण कीजिए। हम तीन स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख सकते हैं, अंडा, टेडपोल लार्वा और फिर वयस्क। क्या टेडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टेडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की बिल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर टेडपोल अथवा इल्ली के बाद में क्या होता है? देखिए, मेढक का जीवन चक्र। अंडे, आरंभिक टेडपोल, बाद का टेडपोल, ये आपका पूर्ण वयस्क मेढक। आपने एक सुंदर शलभ कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर भी सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन दिखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। तो ये आपका लैंगिक जनन। अब बात करते हैं आलैंगिक जनन। जब हमने जनन विक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका भी पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 9.3। हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्त लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरती संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसे ही बनाइए जैसा कि आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना चित्र 9.11 यानी कि 9.11 से कीजिए। इस तरह से देखिए, ये आपका नया हाइड्रा विकसित हो गया। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनन से निकलने वाले ऊर्ध्व से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीवों को जन्म देता है, आलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि एक ही जीव की भूमिका होती है जिसे जन्म देने में, वो आपका अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। आलैंगिक जनन की एक अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए देखते हैं। ये है आपका अमीबा। संतति इस तरह से, विभाजित केंद्रक इस तरह से दो हो जाते लास्ट तक। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिका होता है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के आलैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करते हैं, द्विखंडन कहलाते हैं। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एक जीव संतति जीवों
इसकी कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, आपका ही अमीबा का डॉली की कहानी। क्लोन किसी समरूप खोज क्या या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को किंतुम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती। यानी कि आप लोग बकरी की ले सकते हैं या भेड़ की ले सकते हैं, बिल्कुल पिति रूप। क्लोनिंग का मतलब है पिति रूप, मतलब वैसी ही, उसके जैसी ही, उसके समान। समरूप का यही मतलब होता है ना, तो उसके समान। किसी जंतु के सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम ईयान विलमट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रॉजलेन इंस्टीट्यूट में की थी। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम क्या था, डॉली। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था आपका फिन डॉर्सेट भेड़, स्कॉटिश ब्लैक फेस भेड़। ये आपकी डॉली है। देखिए, डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथियों से एक कोशिका एकत्रित की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्रित की गई। अंडी कोशिका से केंद्र को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथियों से ले ली गई। कोशिका के केंद्र को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव ने डॉली को जन्म दिया, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ की समरूप थी जिसे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का कोशिका भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। जैसे आप एक्स ले लीजिए, ये आपका एक्स है, ये बाई है। अब क्या रहेगा कि बाई का जो अंडाणु है इसे इसकी जगह इसे हटाकर इसके ए की जगह एक्स है, जो इसके अंडाणु को इसमें प्लांटेशन यानी कि स्थापित करा देती है। और पूरी प्रक्रिया सामान जो आपकी एफ बाई है इसी में होगी, घटित होगी। लेकिन जो जन्म लेगा तो वो एक्स के समान दिखाई देगा, इसका मतलब यही हुआ। देखिए, फिन डॉर्सेट भेड़ इसका अंडाणु है, पूरी प्रक्रिया इसमें घटित हुई है, लेकिन क्योंकि अंडाणु लक्षण इसके समान है। ठीक, तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा है, आलैंगिक जनन, द्विखंडन, मुकुलन, अंडे, भ्रूण, बाह्य निषेचन, निषेचन, गर्भ, आंतरिक निषेचन, कायांतरण, अनुप्रजक जंतु, लैंगिक जनन, शुक्राणु, जरायु जंतु और युग्मनज। और इन्हीं शब्दों को हमें जानना है। ठीक, आपने क्या सीखा इसमें, जंतु दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा की जनन अंग है। नर के जनन अंग में आपका वेषण शुक्राणु नली सिसन है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु अथवा अंड कोशिका कहते हैं। वेषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाते हैं। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होते हैं।
वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाते हैं, जैसे मेंढक में, मछली, स्टारफिश इत्यादि में। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है, उसकी वृद्धि एवं परिवर्तित होता है। जहाँ भ्रूण की वह अवस्था अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक अंग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं, उसे गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु के जन्म को जन्म देते हैं, उन्हें जरायुज जंतु कहलाते हैं। मुर्गी, मेंढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं, अंडपर्जक जंतु कहलाते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, आलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है, इस प्रकार के आलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है, इस प्रकार के आलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं। इसी अभ्यास अध्याय से संबंधित आपके क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं आपने। पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, ठीक है, वहां से डाउनलोड करके रख लीजिए, कभी टाइम मिलता है तो उसे आप पढ़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं मधुमक्खियों के छत्ते में रुचिकर संगठन देखा गया है, जो कई हजार मक्षिकाओं की कॉलोनी है। केवल एक ही मधुमक्खी अंडे देती है, यह मक्षिका या रानी मक्षिका कहलाती है। अन्य सभी मादा मक्षिका कर्मी मक्षिका होती है। उनका मुख्य कार्य छत्ता बनाने, नन्नों की देखभाल करना तथा रानी मक्षिका को पर्याप्त भोजन देकर स्वस्थ रखना है, जिससे वह अंडे दे सके। एक रानी मक्षिका हजारों अंडे देती है। निषेचित अंडे में से मादा बनती है, जबकि अनिषेचित अंडे से नर बनते हैं, जो ड्रोन पोम मक्षिका कहलाते हैं। इन कर्मी मक्षिकाओं का काम होता है कि वह अंडों की उष्ण हेतु छत्ते का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस बनाए रखे। कितनी अच्छी अच्छी जानकारी दी गई है, आप देख रहे हो एनसीईआरटी में। मुझे तो लगता है इसी उद्देश्य से हमें पढ़ाया जाता है छठा ट्वीट 7वीं से लेकर, कि एक बच्चे का दिमाग किस तरह से समझदार हो, किस तरह से आदमी विकसित हो। लेकिन कहाँ हम अपने ऊपर फॉलो करते हैं सबको, हम तो बस पढ़ के निकल जाते हैं। अभी भी अधिकतर लोग एनसीईआरटी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें परीक्षा निकालनी है। तो ये था आपका 9वां चैप्टर। 10वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे किशोरावस्था की ओर। क्या है आपकी हेडिंग? किशोरावस्था की ओर।